बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के अंतर्गत मंडबोगरबा में दो युवक कल दोपहर को ब्यास नदी में नहाने गए थे, किंतु वापिस नहीं आए। जिस पर तलाश की गई तो ब्यास नदी के किनारे उनके कपड़े व मोबाइल फोन मिले, जिसकी जानकारी थाना इंदौरा को दी गई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना इंदौरा प्रभारी सुरेंद्र धीमान द्वारा सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल इंद्रजीत, हेड कांस्टेबल परशुराम को मौके पर भेजा। अतः देर रात तक उनकी तलाश की गई पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। जब आज सुबह उनकी तलाश की गई तो एक लाश तैरकर बाहर आ चुकी थी। पुलिस द्वारा धारा 174 के तहत मामला दर्ज करके मृतकों का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल नूरपुर में करवा कर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं गांव बदाल का हूँ। और यहाँ पे जो हादसा हुआ है वो मेरी बुआ का लड़का मुकेश कुमार था, जो अभी थोड़े दिन पहले उसकी शादी हुई है, 2 मंथ पहले। और ये यहाँ पे मौके में फोटोग्राफी की दुकान करता था, 4-5 मंथ पहले इन्होंने दुकान खोली है। और ये तीन बहनें हैं। ये बड़े से छोटे वाला था जो इधर नहाने के लिए आए हुए थे, और पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे हुआ, और ये ऐसे इधर आ गए और पानी में डूब गए। तो पता चला रात को 7-8 बजे कि हाँ ऐसे ऐसे बात हुई है। तो आए फिर यहाँ पे देखा तो पुलिस वगैरह आई थी रात को, ड्रोन में चेक किया तो हाँ एक जगह पे लगा कि हाँ डेड बॉडी पड़ी है, पर वो थी नहीं डेड बॉडी, वो शायद कोई बोरी वगैरह थी, जिससे फिर पुलिस वाले बोलते कि अब जो होगा सुबह ही होगा। तो फिर सुबह इधर के लोकल ही निवासियों ने आके देखा, उन्होंने खुद ही चेक किया तो एक की तो लाश थोड़ी साइड में लग गई थी, मुकेश कुमार की, जो मेरी बुआ का लड़का है, और जो दूसरा था मेरी दीदी का लड़का लगता है मिथु कुमार, उसकी डेड बॉडी तो जो सेंटर में वो पानी के अंदर ही थी, वो उधर ही थी। तो अभी लोकल निवासियों ने तार निकाल डाल के उसको निकाला है, तो अभी पुलिस आई है तो अभी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी उसको नूरपुर लेके जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। बाकी देखते हैं अभी क्या आगे बोलते हैं क्या नहीं। उज्जवल हिमाचल के लिए इंदौरा से दिनेश धीमा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।